वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का वैसे तो थंबनेल और टाइटल देख के एकदम दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि आज आपको एक बच्चों की गाउन बता रहे हैं हम, जो बहुत ज्यादा ही सुंदर लगने वाली है। तो बताओ दीदी, कितना कितना फैब्रिक लिया है? हाँ, ये जो नेट का फैब्रिक है, ये प्लेन नेट है, सिंपल वाली जो नेट होती है वो। हाँ, हमने ये 6 मीटर मंगाई है, और ये जो ये बड़े रस की नेट है ये 2 मीटर है, और ये बर्क वाली है। हाँ, टाइप का इसमें बर्क है, और ये अस्तर हमने अंदर लगाने के लिए, मतलब हम इसमें कैन कैन स्कर्ट भी बनाएंगे अलग से पहनने के लिए। हाँ, तो ये 2 मीटर अस्तर मंगाया है हमने, और ये वाला अस्तर 1.5 मीटर है, तो ये जो ये भी बढ़िया रस का। हाँ, और फ्रेंड्स ये वाला जो अस्तर है वो ये गाउन में लगेगा, जो हम बच्ची की गाउन बना रहे हैं उसमें, और ये इसमें जिप लगेगी, और ये जो कैन कैन स्कर्ट रहेगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अलग से। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रीति ने आपको एक बार फैब्रिक बता दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कितना कितना कपड़ा ले लिया। दीदी, कितने बड़े बच्चे का अपन ड्रेस बना रहा है? ड्रेस बना रहा है वो 6 साल की बच्ची का बना रहा है। अगर आपको बनाना है तो थोड़ा आप आगे पीछे नाप लेकर 6, 7, 8 साल तक के बच्चे का आप बना सकते हैं, और 5 का भी बना सकते हैं। 5 का भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये जो हमारे पास जो वर्क वाली नेट है वो 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर की है, मतलब की 2.5 मीटर से जरा सी कम, मतलब 2.5 मीटर मान के चलिए, 2.5 मीटर मान के चलिए। और अगर आपके बच्चे का साइज बड़ा है और आपके बच्चा थोड़ा हेल्दी है, तो फिर आप 3 मीटर लीजिए वर्क वाला नेट। और ये जो हमारे पास अस्तर है, ये बड़े पने का अस्तर है, इसकी जो विड्थ होती है वो जहाँ जहाँ पर शाइन है, मतलब थोड़ा तो ये ऐसे में प्लेन प्लेन है, तो हम प्लेन भी ले रहे हैं। ये देखिए पूरा 60 इंच का है। हाँ, 60 से भी ज्यादा ही है, मतलब ये इतने तक हटा देंगे तो 60 ही आएगा। 60 इंच इसकी विड्थ है, और ये ऐसे में 1.5 मीटर है, ऐसे में भी 60 और ऐसे में भी 60। अच्छा, दोनों जगह से 60 हो गया है ना? 1.5 मीटर में 60 इंच तो आता है। हाँ, और ये जो हमने प्लेन नेट लिए वो भी हमने सॉफ्ट वाली लिए, ज्यादा हार्ड वाली नहीं लिए, बच्चों को चुभती है इसलिए आपको सॉफ्ट वाली ही लेना है, क्योंकि बच्चे कोई सा भी फैब्रिक हो ना, कोई सा भी फैब्रिक हो, सभी सॉफ्ट वाली लेना है। और ये जो हमने प्लेन नेट ली है वो हमारे पास 6 मीटर है। चलिए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये नेट का फैब्रिक हटा देगी, और ये जो अस्तर अकेला लेंगे अभी। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इस कपड़े को सिंगल कर लेना है। कपड़े को हमने खोलकर सिंगल कर लिया है, ये हमारा सीधा कपड़ा है और इस साइड वाला उल्टा कपड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा पूरा बराबर कपड़ा है चारों साइड से, अभी तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी बराबर कपड़ा है। तो अब हमको क्या करना है, पहले हम सबसे पहले इसमें से नीचे का घेर निकालेंगे, उसके बाद हम चोली निकालेंगे जो बच्चे का कपड़ा उसमें से। तो ये वाला कोना लेना है हमको, यहाँ से इस कोने से लेना है, और उस साइड वाले कोने पे जाके इसको मिला देना है, इस वाले कोने पे। ये हमने मिला दिया, ये हमारा मिल गया, और ये जो हमारा प्लेन था इसको हमने बाहर निकाल दिया, और ये जो शाइनिंग शाइनिंग वाला है उन दोनों को मिलाकर रख लिया हमने। अब हमको क्या करना है, इस वाली कोने से पकड़ना है, अब इस कोने को लेना है और इसको इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए, मतलब कि सीधी सीधी बात ये है कि हमें ओरिफ शेप बनाना है इसका, वो भी त्रिकोण वाला है ना दीदी? हाँ, त्रिकोण वाला। दीदी, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि इसमें नीचे जो कली आती है ना वो कली ना लगे, इसमें बड़े रस का कपड़ा है तो इसमें थोड़ा घेर भी ज्यादा आ जाए। अब ये जो हमारा वी वाला हिस्सा आया है, यहाँ से हमें कमर की कटिंग करना है। पहले आप तो नाप देख लीजिए, ये रहा हमारा नाप, जो कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हमने अपने हिसाब से लिया है। तो जो कमर है वो 21 इंच की है, 21 इंच हमारी कमर है, 3 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड कर देंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़े ढीले कपड़े पहनाते हैं, अंदर से कुछ इनर वगैरह भी पहनाने लगे, इसलिए 3 इंच हमने इसमें लूजिंग ऐड कर दी। तो 24 हो जाएगा, 24 का चौथाई भाग 6 इंच आएगा। तो हमको यहाँ से इंची टेप रखना है और 6 पर निशान लगा देना है। ये देखिए 6 हमने यहाँ निशान लगा दिया, और ये जो हमारा प्लेन नेट है हमने इसलिए हमने यहाँ यहाँ तक ही लिया है, फिक्स रखना है हमको, ये मार्जिन में नहीं लेना, ये हमारे बाद में ये इतना इतना काट देंगे हम। अब यहाँ से हमको इंची टेप को रखना है इस कोने से, प्लेन वाले हिस्से को तो आप ये समझिए ये हमारा यहाँ से कट गया। अब यहाँ से इंची टेप रखना है आपको और इसको नाप कर देखना है, तो ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे, ये हमने 8.5 पर निशान लगा दिया है। अब हम इसकी यहाँ से कमर की कटिंग कर देंगे, और इसकी भी यहाँ से कटिंग करना है हमको। दीदी, ये फिक्स भी रख लिया, फिर अपन मार्जिन नहीं रखे? फिक्स रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर ओरिप की वजह से ये अपने आप बढ़ जाएगा और मार्जिन में आ जाएगा। अब हमारी चोली जो है वो 10 इंच की है, तो 10 इंच हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ दिया है, चोली हमारी 10 इंच की आई, 10 इंच इंची टेप हमने छोड़ा। इसके बाद हमारी लंबाई जो है वो 38 है तैयार, तो हम 38 फिक्स पर निशान लगा देंगे। पहली बात तो ये अस्तर है, और ओरिप की वजह से थोड़ा बहुत ये बढ़ भी जाता है, तो हमने ये 38 पर निशान लगा दिया। इंची टेप को वापस से खींच लेंगे, यहाँ पर वापस यहाँ पर रखा और नाप कर देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, तो ये 28 इंच आ रहा है, 28 पर निशान लगा देंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं,
अब इन्हीं निशानों पर से हम कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा प्लेन प्लेन है इसकी भी कटिंग कर देंगे। अस्तर का घेर निकल गया है, इसको हटा देंगे यहाँ से। और ये जो हमारा बचा कपड़ा है इसमें से हम चोली निकालेंगे। अगर हम पहले चोली निकाल देते तो हमारा घेर अच्छे से नहीं निकलता, तो चोली तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटी सी चोली निकालना है, बहुत बड़ी नहीं निकालना, क्योंकि बच्चों की है वो। तो बच्चों की है। ये कपड़ा हमने खोल लिया, ये हमने खड़ी वाली साइड से लिया है। और आड़ी वाली साइड से लेंगे आप तो ऐसा स्ट्रेच होगा, ये वैसे भी स्ट्रेचेबल वाला कपड़ा है। और पनड़ता है तो फिर और दिक्कत होती है। ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है, आपको अपने साइज के हिसाब से फोल्ड करना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर नाखून लगा लेना है। नाखून लगाने के बाद यहाँ से चोली की लंबाई रखेंगे हम, यहाँ से इंची टेप को रखना है। 10 इंच की चोली हमें तैयार चाहिए, तो 11 पर निशान लगाएंगे हम। ये देखिए 11 पर हमने निशान लगा दिया, क्योंकि आधे इंच सिलाई में यहाँ दबेगा और आधे इंच ऊपर दबेगा। और शोल्डर का भी आपका कैसा रहेगा, आपको बच्चों की नाप के हिसाब से ही रखना है। आप नाप लीजिए बच्चों के कितने शोल्डर आ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो हमारे बच्चे का नाप है उसमें 10 शोल्डर है, उसका आधा हमारा 5 लगेगा, तो हमने ये 5 पर निशान लगा दिया। और आर्मोल्स का साइज भी आप यहाँ से ऐसे इंची टेप रखिए और ऐसे करके नाप लीजिए उससे। बच्चों का दीदी? हाँ बच्चों, बड़ों की मैंने चलता नहीं ट्रिक। बड़ों की में ये ट्रिक नहीं चल पाती, पर आप बच्चों की में तो नाप कर ही ले लीजिए। बच्चों के में क्यों नाप सकते हैं? क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है ना वो नॉर्मल होती है, वो बिल्कुल लटकती मटकती नहीं है। और पेट की वजह से बड़ों की बॉडी लटक जाती है। तो जो आर्मोल्स का साइज रहेगा वो हमको 4 पर लगाना है। और अब फिटिंग के निशान लगा लेंगे हम। तो फिटिंग में सीने पर भी हमको 3 इंच की लूजिंग डालना है। सीने की फिटिंग 22 इंच है, 3 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का चौथाई भाग 6.25 इंच आएगा, तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और 6.25 पर निशान लगा देना है। और कमर की फिटिंग 21 इंच थी, 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगी। 24 का चौथाई भाग 6 इंच आएगा, तो 6 पर निशान लगा देंगे। बच्चों के कपड़ों में ज्यादा गोलाई नहीं आती है, मतलब कमर एकदम गोल नहीं होती है, नॉर्मल होती है, सीधी होते हैं सीधी। और तो और पेट थोड़ा बाहर ही होता है, पेटू बच्चे होते हैं जो उनकी होता है। वो कितने अच्छे लगते हैं पेटू बच्चे। अब इन निशानों को लंबा कर लेना है, इस निशान से इसको मिला देना है, यहाँ पर मार्जिन रख देना है। बच्चे जल्दी जल्दी मोटे होते हैं, इस निशान को यहाँ से सीधी लाइन खींच लेना है। यहाँ पर ये हमारे निशान लग गए हैं, अब यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की चोली कट गई है, अब हमको बैक साइड की चोली कटिंग करना है। तो कैसे करना है, ये वाला कपड़ा हम हटा देंगे और इस वाले कपड़े को लेंगे। कपड़े को लिया हमने और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसको हमको थोड़ा बड़ा फोल्ड करना है, बड़ा मतलब इससे थोड़ा बड़ा। ये देखिए अब इसी चोली को रखना है आपको, आधे इंच इसको पीछे वाली चोली को थोड़ी सी बड़ी रखना है। जैसे हमारा ये कट हुआ है वैसे ही हम नीचे वाले को भी कट कर लेंगे, और इस चोली को यहाँ से खोल देंगे, पीछे वाली को, आगे वाली को नहीं। पीछे वाली को हमने कट कर दिया, अब हमको क्या करना है, ये कट लगाना है, एक ये भी और एक नीचे वाला भी, कमर के पास का फिटिंग का। फिटिंग का कट लग गया हमारा, आप क्या करना है इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देना। ये बैक पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट पार्ट लिया हमने और इसमें हमको गला कट करना है। गले की जो विड्थ रहेगी वो 2 इंच रखेंगे हम, और गले की जो लंबाई है वो हम 3.5 इंच की रखेंगे, और नीचे भी हमको 2 इंच की विड्थ रखना है। ये देखिए हमने लाइन खींच के यहाँ पर डब्बा बना लिया है, और हमको इसमें गोल गला ड्रॉ करना है। ये देखिए गोल गला हमारा ड्रॉ हो गया है इसमें, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हो गई है, यहाँ पर हमको गोलाई करना है सिर्फ आगे वाले हिस्से में। ये गोलाई भी हो गई हमारी, इसको हटा देंगे, बैक साइड की चोली लेंगे, जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था वहां पर हम निशान मार लेंगे। ये देखिए हमने इतना एक्स्ट्रा रखा था। इसके बाद से हमको गले की चौड़ाई रखना है, गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है, और गले की जो लंबाई रहेगी वो 1.5 इंच है, 1.5 पर हमने निशान लगा दिया। अब इसमें गोल गला ड्रॉ कर देंगे, कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक साइड की दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अस्तर अस्तर की हमारी कटिंग हो गई है, क्योंकि स्लीव्स इसमें वो जो बलून वाली होती है ना वो लगाना है, मतलब गोल वाली झालर। और विदाउट स्लीव्स भी बना सकते हैं, भी आप बना सकते हैं। तो ये अस्तर हटा देंगे हम, ये गले मले में काम में आ जाएगा हमारा, इन सबको हम हटा देंगे। और अभी हम लेंगे प्लेन नेट। फ्रेंड्स हमने ये 6 मीटर वाली जो नेट थी वो ले ली है, इसमें से हमको क्या करना है, पहले आधे मीटर कपड़ा काटकर अलग कर देना है। आधे मीटर कपड़ा काटकर हमने इसमें से हटा दिया है। अब ये जो हमारी नेट है इसकी अच्छे से घड़ी बना लेंगे, 4-5 बार वो फोल्ड कर लेना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे कितनी बार फोल्ड कर लेना है दीदी इसको, जितनी बार में ये यहाँ से यहाँ तक जम जाए बस इतनी बार। ये हमने 8 बार में इसको फोल्ड कर लिया है, मतलब ये हमारी 8 फोल्ड हो गई है।
पहले हमको यहाँ से ये जो किनारे किनारे है इसको कट करके हटा देना है। किनारे हमने काट के हटा दी है, अब हमको इसको घुमा लेना है। ये रही हमारी आड़ी नेट, इसमें से हमको घेर निकालना है। तो घेर निकालने के लिए हमको चोली वाला हिस्सा हटा देना है, मतलब कि हमारी 10 इंच की चोली लगेगी इसमें। 10 इंच इंची टेप को हमने ऊपर छोड़ दिया है और लंबाई हमको तैयार 38 इंच की चाहिए। ये 38 इंच की तैयार चाहिए, तो आधे इंच तो हमारी सिलाई में यहाँ दबेगी। 38 पर हमने निशान लगा लिया है। और अगर आपको पीको करना है तो सिर्फ 1 इंच बढ़ा कर रखिए, आधे इंच उस साइड और आधे इंच पीको में दबने के लिए, मतलब आधा ऊपर चुन्नट में दबने के लिए और आधे इंच नीचे पीको में दबने के लिए। तो 38 की जगह 39 पर निशान लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें बुन पट्टी लगाएंगे। 1 इंच की हमारी बुन पट्टी रहेगी और आधे इंच हमारा ऊपर दबेगा, तो कितना हुआ 1.5 इंच और आधे इंच उसके अंदर जाएगी, तो हमें 2 इंच बढ़ा कर रखना हुआ। तो हमको ये निशान 40 इंच पर लगाना है। ये हमने 40 पर निशान लगा दिया है। ये हमारा खड़े कपड़े में आ रहा है, मतलब कि हमारी आड़े कपड़े में हमारी बुन पट्टी लग रही है, तो इससे ये हमारी उठेगी नहीं। अगर हम अम्ब्रेला वगैरह में लगाते तो फिर ये उठ जाती है, गोल गोल घूमती है, ऐसी ऐसी लहरा जाती है, तो उससे उठ जाती है। तो फिर आपको 1.5 इंच लंबाई और बड़ी कर, फ्रिल में लगाते हैं तो उसमें भी उठ जाती है, उसके लिए आप 1.5-2 इंच लंबाई बढ़ा कर रखें। पर ये तो हमारा सीधा कपड़ा है, इसमें नहीं उठेगी, वो सीधी ही आएगी, इसलिए इसमें हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया, जितनी हमें जरूरत है उतना हमने बढ़ाया। इतनी बड़ी बुन पट्टी रहेगी ना। अगर आपकी फ्रॉक का साइज छोटा है, मतलब आप छोटे बेबी का बना रहे हैं, तो आप एक ही नेट में से दोनों साइड का निकाल सकते हैं, मतलब कि आप ऐसे में भी घेर ले सकते हैं। इतना बड़ा साइज अगर आपको और इतनी बड़ी लंबाई आ जाए बच्चे पर, इतनी बड़ी लंबाई हो तो, मतलब छोटे बच्चे का बन जाएगा, 4-1 साल तक के बच्चे का ना। और ये गाउन बनवाई ना, अगर जैसे नॉर्मल इतनी फ्रॉक बनाते तो इतने आधे, हाँ शॉर्ट फ्रॉक भी तो बच्चों की पहनते हैं ना, वो तो कम कपड़े में बन जाती, 3 मीटर में भी अच्छा घेर आ जाता, पर वो 6 मीटर कपड़ा नहीं मंगाना पड़ता। इसको यहाँ से इंची टेप को वापस ले लेंगे और नाप कर देख लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई हमारी कितनी आ रही, 30 इंच। तो हम ऐसे लंबा के लंबा ये हमने 2 निशान लगा लिए और यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और यहीं से कर देंगे कटिंग। कटिंग करके हमने नेट को हटा दिया है, घेर घेर हमारा कट गया है नेट का। अब हमको क्या करना है, इसमें कट लगा देना है। ये हमारा 20 सेंटर वाला कट रहेगा, ये हमने 2 में लगाए और ये 2 हमारे खुले, ये 2 इससे हमारे खुले हैं और ये हमारा एक इस साइड का होगा और एक इस साइड का होगा, तो एक साइड का और खोलना पड़ेगा दीदी, एक साइड का और खोलना पड़ेगा। तो ये हटा दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसा पूरा सिंगल भी कर लीजिए। अरे तो, नहीं दीदी मत बिचलाओ, सबको आ जाता है समझ, आ जाता है तो ठीक है। मतलब दीदी 3 मीटर नेट आगे के लिए, 3 मीटर नेट पीछे के लिए है ना। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये हमारी नेट कट हो गई है, इसको वापस से घड़ी बनाकर रख देंगे। फ्रेंड्स ये वाला जो कपड़ा बचा है इसमें आप अलग टाइप की झालर वगैरह भी लगा सकते हैं, स्लीव्स पे भी कोई अच्छी डिजाइन दे सकते हैं। हमने ये ऊपर की वर्क वाली नेट ले ली है, इसमें से हमको पहले चोली निकालना है, तो हम इसको सिंगल कर लेंगे और इसमें पत्तियों का डायरेक्शन इस साइड को जा रहा है, तो हमने ये सिंगल करके ऐसे में रख लिए जिस तरफ को ये पत्तियां जा रही है। अब क्या करना है हमको, इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर देना है। कर दी हमने चोली, रखेंगे हम एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ताकि हमारे फूलों का डायरेक्शन एक जैसा जाए, ऊपर साइड है ना दीदी, ऊपर साइड को। और अब यहीं से हम इनकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इसकी भी और इसकी भी। चोली हमारी कट गई है, इन दोनों चोलियों को हम एक के ऊपर एक रख देंगे और हटा देंगे। अब ये जो हमारा यहाँ से जो कपड़ा बचा है, कपड़े को हमने काट कर सीधा कर दिया है। अब हम इस कपड़े को सिंगल कर लेंगे और इसके बाद हमको करना है इसको डबल, कोर से कोर मिलाकर हमने इसको डबल कर लिया। अब इसको हमको डबल करके यहाँ से ऐसे बिछा कर रख लेना है और यहाँ से इंची टेप रखना है। ये प्लेन प्लेन हम छोड़ देंगे, देखिए इतना हमको छोड़ देना है और इसमें भी डायरेक्शन देखना है, पत्तियों का डायरेक्शन देखना है, पत्तियां ऐसे खड़े में जाना चाहिए। 10 इंच की हमारी चोली है तो 10 इंच हम इंची टेप को ऊपर छोड़ देंगे और हमको पीछे का घेर रखना है 33 इंच का। मतलब दीदी उसमें तो बनने 38 रखा था, तो इसको थोड़ा ऊंचा रखेंगे जब तो नीचे वाली नेट दिखेगी। अच्छा मतलब अलग अलग घेर, पीछे का हमने 33 इंच का रखा है, 33 इंच का हमें तैयार चाहिए, तो हम 34 इंच का रख लेंगे। आधे इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा और आधे इंच हमारा नीचे दबेगा पीको में या फिर अगर जो भी करेंगे हम आपको बाद में बता देंगे, या तो पीको करेंगे या फिर इस पे सिलाई कर देंगे। 34 इंच का हमने निशान लगाकर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली, लाइन हमने खींच दी है और एक लाइन हमने इस साइड भी खींच दी। अब इन दोनों लाइनों पर से हम कटिंग कर देंगे, ये दोनों लाइनों पर से हमने कटिंग कर दी है। अब ये जो हमारा नीचे वाला कपड़ा बचा है वो हम आगे लेंगे और ये जो हमने बड़ा वाला हिस्सा कट किया है वो हमारा पीछे का है। तो अब हम इसको नाप कर देख लेंगे, 10 इंच हमने छोड़ा चोली का, जितनी हमारी चोली है। आगे हमारा कितना आ रहा है देखिए, यहाँ तक का प्लेन तक का मिला के हमारा यहाँ पर 25 इंच का आ रहा है, बनकर 24 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे इसके ऊपर रख लेना है। ये हमने ऊपर रखा, बराबरी से रख लेंगे, बैक वाली साइड हम जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसमें गोलाई। ये देखिए अंदाज से करनी है, बस थोड़ा गोल दिखने लगे ना दीदी, गोल दिखने लगे ताकि अप डाउन सा तो लगे वो।
हमारी इस साइड की कटिंग हो गई है, इसको इस साइड वापस घुमा लेंगे। अब हम ये आगे वाली साइड से जो ये जो हमारा निशान आया था यहाँ से हमको कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको राउंड में ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ से लेके ये जो हमारी कोर है यहाँ तक, अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। हेयर की कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हमें करना है स्लीव्स की कटिंग। तो ये हमारी वही नेट है जो हमने आधे मीटर अलग काटकर हटा दी थी। तो ये हमारी पहले से ही फोर फोल्ड में रखी हुई है, फोर फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेना है। ये तो एट फोल्ड हो गया दीदी, ये एट फोल्ड हो गया हमारा। अब हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रखना है, जितने इंच की हमारी आस्तीन है, मतलब कि हमें 7 इंच की आस्तीन चाहिए, उसमें सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है क्योंकि नीचे भी पीको में दबेगा और ऊपर भी सिलाई में दबेगा उसका। तो हमारी 7 इंच की आस्तीन बनकर तैयार आएगी, तो हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है, 1 इंच प्लस करके, 8 इंच ऐसे में भी और 8 इंच ऐसे में भी। ये हमने यहाँ पर भी 8 इंच पर निशान लगा दिया है और ऐसे घुमाते जाएंगे और गोलाई से निशान लगा देंगे। अब यहीं से हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमारी हो गई है, अब क्या करना है हमको, इसको खोलना है। ये हमने खोली और इसको यहाँ से ऐसे कम कर दी, कितनी कम करना है, 2 इंच। ये देखिए हमारी 2 इंच कम हो गई है। अब हमको क्या करना है, ये हमें गोला और कट करना है। तो ये गोला हमारा कहाँ रहेगा, जहाँ पर हमारी स्लीव्स चढ़ेंगी। और स्लीव्स लगाना तो ऑप्शनल है ना दीदी, लगाना हो तो आप लगाइए, नहीं लगाना हो तो ऐसे बच्चों की ज्यादातर लोग तो नहीं लगाते हैं। तो आपको ये जो ये वाली गोलाई कैसे कट करनी है, अपनी चोली लेना है और इसको यहाँ से खोलकर नाप कर देख लीजिए। कहाँ से नापना है आपको, फिटिंग के कट से ऐसे ऐसे नाप लीजिए, यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए कितना आ रहा है हमारा, 6 इंच। तो 6 का आधा हो जाएगा हमारा 3 इंच और 3 के आधे हो जाएंगे हमारे 1.5 इंच, क्योंकि मतलब ये चौथा ही भाग लेना है, चौथा ही भाग लेना है हमें। क्यों ले रहा है ये चौथा ही भाग, क्योंकि ये हमारी 4 फोल्ड नेट है। तो ये हमने ऐसे में 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है और ऐसे में भी लगा दिया है 1.5 इंच पर, और इसमें भी गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये हमारा यहाँ नीचे आएगा और ये बड़ा वाला हिस्सा है ये हमारा यहाँ सेंटर पे आएगा, शोल्डर के सेंटर पे आएगा। तो हमारी ये एक झालर कट हो गई है, इसको हटाएंगे। ये हमारा नीचे साइड का है, ये हमारा ऊपर साइड का है। तो यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी एक झालर कट हो गई है, अब ये जो हमारी नेट बची थी ना ऊपर साइड से, ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसमें डबल फ्रिल कर देते हैं, एक फ्रिल और उसके बाद एक फ्रिल और थोड़ी सी ऊपर से। तो ये जो हमारी जैसी हमने इस झालर को कट किया है, ऐसी की ऐसी हम एक झालर और कट कर लेंगे, वो भी 2-2 इंच छोटी। ये हमारा डबल में कपड़ा है, इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दिया हमने, तो ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। इस वाली झालर को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ये हमने रख दी, जैसी हमारी ये झालर कटिंग हुई है उसी की जैसे हमको यहाँ पर निशान लगा देना है। पर यहाँ से हमारी थोड़ी कम आ रही है तो हमें वैसे भी 2 इंच की कम ही चाहिए, तो ये हमने 2 इंच कम का निशान लगा दिया। और यहाँ से जैसी है वैसे ही निशान लगा देंगे, लगा दिया हमने, और ये गोलाई का निशान भी लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 2-2 इंच कम रख लेना है, ये देखिए ऐसे में 2 इंच कम, और ये तो हमारा 2 इंच कम था ही पहले से, यहाँ से हमारा लग गया निशान। अब हमें यहाँ से लगाना है 2-2 इंच कम, झालर के निशान लग गए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये वाला जो गोला है इसको दोनों को मिलाकर फिर कट करेंगे, और आप चाहें तो इसको नाप कर भी कट कर सकते हैं ताकि छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो। ये 1.5 इंच का और यहाँ से भी 1.5 इंच का, ये हमने गोल कर दिया और इसको भी कट कर देंगे और इसको हटाएंगे। ये छोटी वाली साइड नीचे जाएगी और ये बड़ी वाली साइड हमारी सेंटर का कट लगेगा, सामने आएगी। तो ये देखिए हमारी डबल फ्रिल हो गई। अब ये छोटी वाली छोटे वाले के पास मिल जाएगी जाकर, और बड़ी वाली बड़े वाले के पास मिल जाएगी। और देखिए यहाँ से सब हर जगह से 2-2 इंच कम है। पूरी गाउन की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए ये हमारे ऊपर के दोनों घेर, और ये जो हमारी नेट का घेर है ये नीचे वाला घेर, और ये रहा उसका अस्तर, 2 झालर वाली स्लीव्स, और ये रही हमारी चोली। ये जो हमारी गाउन थी इसमें बहुत सारा काम था। हम पहले चाह रहे थे, प्रीति और हम दोनों ने सोच रखा था कि हम एक ही वीडियो में आपको ये पूरी बनाना सिखा दें, पर यही वाली वीडियो इतनी बड़ी हो गई कि हम इसमें स्टिचिंग नहीं कर पाएंगे। तो स्टिचिंग आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। वैसे तो आपकी पसंद की वीडियो तो आपने स्टार्टिंग में ही लाइक कर ही दिया होगा, बेबी फ्रॉक देख के, बेबी गाउन देख कर, बेबी गाउन, हाँ, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे बेबी गाउन बताइए बेबी गाउन, तो मैंने कहा आज बता ही देते हैं। और वैसे तो हम लोग लेते नहीं है, तो फिर हमने आप लोगों की वजह से ही ली क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े सिलते ही नहीं है। चैनल बनाए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।